हेलो एवरीवन, क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा ध्यान आगे की ओर लगा रहता है। हम देखते रहते हैं कि आगे क्या है, आगे की कैसे सड़क ठीक है, क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या बिल्कुल क्लैरिटी है जिसमें हम देख पा रहे हैं। और एक बड़ी सी विंड स्क्रीन होती है जिसको देखकर हम अपने आगे की ओर चलते जाते हैं। ओकेजनली हम ये छोटे से शीशे में, जिसको रेयरव्यू मिरर बोलते हैं, इसमें देखते हैं और देखते हैं कि पीछे से कोई चीज तो नहीं आ रही जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है या फिर हमें फॉलो कर सकती है या जिसे हमें साइड देने की जरूरत है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, कई बार इंसान अपने जीवन में आगे की ओर तो बढ़ता जाता है लेकिन फिर भी उसका ध्यान पीछे रहता है। ओकेजनली पीछे देखना यानी अपने पास्ट हर्ट्स को देखना, अपनी पुरानी बातों को सोचना जिन्हें देखकर हम शायद एनकरेजमेंट पा सकें या फिर हम उन चीजों से मोटिवेशन पा सकें या फिर जो गलतियां हमने की हों उन्हें सुधार सकें, वो तो ठीक है। लेकिन जब हम बार 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 पीछे की ओर देखकर अपनी गाड़ी आगे चलाएंगे तो हम श्योर कहीं ना कहीं जरूर बच सकते हैं, मिस हैपनिंग हो सकती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तुम्हारी आंखें आगे की ओर लगी रहनी चाहिए और तुम्हारी नजर सीधी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम आने वाले फ्यूचर को, आने वाले समय को, आने वाली उन खुशियों को, उन अबंडेंट लाइफ की ब्लेसिंग्स को ले सकें जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है। प्रभु यीशु भी तो यही कहते हैं, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, दैट यू शुड हैव लाइफ, लाइफ इटर्नल, लाइफ अबंडेंट। तो अबंडेंस कैसे आती है? क्या वापस जाके अपने घावों को घुरेत घुरेत के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक कहावत ऐसी भी है कि वो कहते हैं कि अगर आप बार बार जाकर, वापस जाकर अपने पास्ट में अपने उन जख्मों को खुरेदते रहेंगे तो आप उन्हें समय नहीं देते कि वो हील हो सके। तो आज माय फ्रेंड, आई जस्ट वुड लाइक टू एनकरेज यू, स्टॉप लुकिंग एट वॉट योर पास्ट हैड, स्टॉप लुकिंग एट वॉट योर पास्ट हर्ट्स वर, स्टॉप लुकिंग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होना चाहिए था, कैसे नहीं होना चाहिए था। यू कैन गो बैक एंड डू द थिंग्स राइट, बट यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। आपकी आंखें सामने की ओर लगी रहनी चाहिए और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें अबंडेंट, मैं फिर से कहूंगी अबंडेंट ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे यू बी ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज, इन जीसस नेम, आमेन।